हेलो स्टूडेंट यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरिट माय नेम इज़ गोविंद सैनी स्टूडेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे थर्मोडाइनेमिक का सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें यूनिट हमारी फाइव चल रही है और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्योर सब्सटेंस क्या होता है और उनकी क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेस डायग्राम ऑफ द प्योर सब्सटेंस के लिए कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका फेस डायग्राम हमारा कैसे बनाया जाता है कैसे कैसे वो अपने फेस को चेंज करता है उन सब के बारे में स्टूडेंट आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस की हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच हैज द ठीक है 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 कहने का मतलब क्या 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 जो रखता रखता वो को हमारा हमारा होता है, pure substance होता ियम अगर जो केमिकल इक्लिब्रियम में रहे वो हमारा एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था वाटर होता है साल्ट होता है गोबर होता है गोल्ड होता है सुगर होती है तो डिफरेंट टाइप के हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो स्टूडेंट हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं प्योर सब्सटेंस में होती है, उसमें नाइट्रोजन मिक्स नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती हमारा क्या ऑक्सीजन है ओ है और उसमें अगर मैं ऑक्सीजन को मिला दूंगा तो वो मेरा ऑक्सीजन ही रहेगा तो दिस इज सिंगल दिस इज सिंगल कंटेन द आर्टिकल एंड वी कैन से इट इज द प्योर सब्सटेंस अब जैसे हमने डिस्कस किया था वाटर के बारे में कि हमारा जो पानी होता है पानी भी हमारा प्योर सब्सटेंस होता है कि अगर मान लीजिए मेरा 1 केजी पानी है उसमें मैंने फिर 1 1 केजी और पानी मिला दिया तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा स्टूडेंट पानी ही कहलाएगा कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मैं उसी के सेम कंटेन को उसमें अगर मिक्स कर रहा हूं ठीक है उसके सेम पार्टिकल को मैं मिक्स कर रहा हूं तो वहां पे मेरा जो बन रहा है वो भी वो सेम ही बन रहा है डेट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस ओके स्टूडेंट तो प्योर सब्सटेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उसके फेस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फेस डायग्राम होता है वो कैसे यहाँ पे हम अपना ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट हम लेके चलते हैं वाटर को क्योंकि हमारा जो पानी होता है इट इज ऑब्वियसली वेरी गुड प्योर सब्सटेंस हमारा अच्छा प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि हम थर्मोडाइनेमिक में हम स्टडी करते हैं स्टीम के बारे में तो हम जो स्टीम को जनरेट करेंगे वो वेपर से steam, sorry, से स्टीम सॉरी लिक्विड को जनरेट करेंगे 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 उससे पैदा करेंगे, उसको क्रिएट तो यहाँ पे हम करते हैं के बारे में. तो क्या लेंगे? बात करते हैं अपने फेस डायग्राम के बारे में मान लीजिए मेरा कोई यहाँ पे ठीक है चलो पे बना लेते मान लीजिए मेरा कोई एक हमारा एक आइस है ठीक है दिस इज द आइस ठीक है ये क्या आइस है इसको मैंने मान लिया ऑप्शन को मैंने मान लिया एक ए ए हमारी कोई आइस है ठीक है ए क्या है मेरी आइस है और इसको मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये क्या है मेरा एक आइस है ठीक है एक आइस किस में होती है स्टूडेंट सॉलिड में होती है किस में होती है सॉलिड में होती है और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है एट टेम्परेचर ठीक है यह मैं इसको लिख सकता हूँ

वाटर से बनता है ठीक है पानी से हमारा क्या बनती है आइस बनती है तो यहाँ पे मैंने एक आइस को लिया है जिसका टेम्परेचर स्टूडेंट कितना है माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है किसका कितना टेम्परेचर स्टूडेंट यहाँ पे इसका माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से है अब मैं क्या करूंगा इस आइस को नीचे से मैं एक हीट दे रहा हूँ इस आइस को क्या कर रहा हूं स्टूडेंट यहाँ पे मैं हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ क्या करा रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इस आइस को मैं क्या दे रहा हूँ एक हीट दे रहा हूं हीट इसको दे रहा हूं तो हीट देने से इसका जो हमारा एक कहने का मतलब क्या है इसको मैंने हीट दी और हीट कहाँ तक दी मैंने स्टूडेंट इसको हीट मैंने दी इसको तो यहाँ पे मेरा एक आईसी बनाइए है इसको भी हम आईसी कहेंगे दो सॉलिड सिचुएशन में है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेरा कितना हो गया स्टूडेंट इसका टेम्परेचर हो गया माइन जीरो डिग्री सेल्सियस कितना हो गया स्टूडेंट जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया ठीक है अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान देना कि जब मैंने इसको हीट दी और हीट देने से क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया टेम्परेचर पहले माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था अब इसका कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहां पे भी मेरा इसका स्टेट सोलिड था यहां पे भी स्टेट मेरा सोलिड है लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो मैंने लास्ट आपको बताया था कि जब मैं किसी भी सब्सटेंस को हीट ट्रांसमिट करता हूं और हीट ट्रांसमिट करने से उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है वो मेरा सेंसिबल हीट कहलाता है अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट देता हूं और वहां पे उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन उसका फेस चेंज

तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा एक आइस था और आइस का टेम्परेचर माइनस टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था जब मैंने इसको हीट दी दिस इज द लेटेंट हीट तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया जीरो डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसका एक स्टेट है बी ठीक है यहाँ पे भी मेरा क्या ये एक सोलिड है यहाँ पे भी आइस क्या है सोलिड है क्योंकि जीरो डिग्री सेल्सियस पे मेरा आइस बन जाता है जो हमारा वाटर होता है वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट मेरा आइस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे सॉरी गलत हो गया लेटेंट नहीं ये हमारी सेंसिबल हीट होगी ठीक है तो जहां पे इसका चेंज नहीं हो रहा तो दिस इज देंसिबल हीट सेंसिबल हीट ओके तो यहां पे हमने क्या करा कि इसको सेंसिबल हीट दिया और सेंसिबल हीट देने से इसका टेंपरेचर बढ़ गया और टेंपरेचर कितना हो गया जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया ओके यहां तक समझ में आ गया अब क्या हो गया यहाँ पे मेरा एक जीरो डिग्री टेम्परेचर पर मेरी आइस है आपने देखा होगा अगर मान लीजिए आप इसका टेम्परेचर मैं वन डिग्री सेल्सियस कर दूं तो यहाँ पे किस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पे मैंने क्या करा स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ पे एक हीट प्रोवाइड करी अब दोबारा से मैंने इसको क्या दिया इसको मैंने हीट दी दोबारा से मैंने इसको क्या दी हीट दी क्या दी स्टूडेंट हीट दी और हीट देने से ये किस में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा ये कन्वर्ट हो गया मेरा लिक्विड में किस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इसको मैंने मान लिया c इसको मैंने मान लिया c तो यहां पे मेरा क्या हो गया लिक्विड हो गया क्या हो गया स्टूडेंट लिक्विड हो गया लिक्विड हो गया और लिक्विड इसका टेंपरेचर भी मेरा यहां पे स्टूडेंट कितना है माइनस यहां पे टेंपरेचर भी इसका मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर भी कितना है स्टूडेंट हाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये वाला जो स्टेट था मैंने इसको हीट दिया और हीट देने से इसका सेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसका है लेकिन यहाँ पे आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने इसको हीट दिया वो हीट कौन सी हीट कहलाएगी यहाँ पे स्टूडेंट वो मेरी कहलाएगी लेट एंट हीट क्या कहलाएगी स्टूडेंट लेटेंट हीट कहलाएगी क्योंकि इसने क्या करा अपना फेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया लेकिन टेम्परेचर मेरा वही जीरो डिग्री सेल्सियस है तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखो कितना ये एक यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी को समझेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा थोड़ा सा हीट देने पर वो फेस को चेंज कर रहा है मान लीजिए यहाँ पे सोलिड था सोलिड को मैंने थोड़ी सी हीट दी और उसको सारी हीट किसमें कन्वर्ट होगी उसके फेस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी और मेरा लिक्विड बन गया अब यहां से अगर मैं इस थोड़ी सी हीट को निकाल लू जितनी मैंने इसको दी थी उतनी ही मैं निकाल लू तो यहां पे मेरा लिक्विड हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां पे, पे स्टूडेंट मेरा जो ये आइस है ये जो आइस है ये किस कंडीशन पे है यहां पर इसको मैं कह सकता हूं दिस इज सैचुरेटेड दिस इज सैचुरेटेड सोलिड स्टेज तो यहां पे मेरा जो ये सॉलिड कंडीशन है वो कैसी है सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट में है सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट में है ठीक है तो क्योंकि यहां पे हमारा क्या हो रहा है कि इस आइस को मैंने थोड़ा सा हीट दिया और थोड़े से ही हीट देने पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये जो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट सोलिड स्टेट कहेंगे। अब मैं बात करता हूं इस स्टेट की कि ऑप्शन जो हमारा स्टेट सी है इससे अगर मैं थोड़ी सी हीट को ले लू इससे अगर मैं थोड़ी सी हीट को ले लू तो दोबारा से ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसे स्टेट को हम कहेंगे स्टूडेंट सेचूरेटेड लिक्विड स्टेट ेटेड लिक्विड स्टेट तो ऐसा स्टेट कि अगर मैं किसी को थोड़ा सा हीट देने पर उसका स्टेट में चेंज हो रहा है उसका फेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऐसे को, ऐसे स्टेट को क्या कहते हैं ऑब्सली आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दैचुरेटेड कंडीशन सैचुरेटेड स्टेट को आप समझ चुके होंगे तो लास्ट क्लास में मैंने इसके डेफिनेशन को भी बताया था कि अगर मैं किसी प्योर सब्सटेंस में से थोड़ी सी हीट को रिमूव कर रहा हूं और रिमूव हीट को रिमूव करने से वो अपने फेस को चेंज कर रहा है वो मेरे एक स्टेट कहलाती है सैचुरेटेड स्टेट अब यहां पे स्टूडेंट एक और बात आती है यहां पे जब मेरा सोलिड से एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यहां पे सोलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं लिक्विफाइड कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको लिक्विफाइड कहते हैं तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरा सोलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो सोलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस फेज डायग्राम को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको हम कह सकते हैं दिस इज द लिक्विडिफिकेशन लिक्विडिफिकेशन ठीक है लिक्विफिकेशन लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज अगर मेरी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है वो मेरा लिक्विडिफिकेशन होगा क्या होगा स्टूडेंट लिक्विफिटिकेशन होगा ठीक है अब स्टूडेंट यहां तक समझ में आ गया आपको ओके okay, आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे मेरा क्या होगा स्टूडेंट यहां पे देखेंगे कि जब यहां पे मेरा लिक्विड एक किस टेम्परेचर पर था जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर था अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट इस इसको दोबारा से मैं इसको क्या करूंगा हीट दूंगा तो इसकी एक और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा एक और फेज डायग्राम बन जाएगा जिसको मैंने बोल दिया डी अब यहाँ पे मैंने क्या करा इसको मैंने दोबारा सा हीट दी और हीट देने पर ये फिर किस में रहा लिक्विड में ही रहा किस में रहा स्टूडेंट ये लिक्विड में ही रहा लेकिन यहाँ पे इसका

हीट होगी कौन सी हीट होगी स्टैंड सेंसिबल हीट होगी तो सेंसिबल हीट आर दोज हीट विच कैन विच कैन चेंज द टेम्परेचर बट नॉट चेंज द सरफेस तो हमारी सेंसिबल हीट वो हीट होती है कि जो सिस्ट जो किसी स्टेट के टेम्परेचर को इंक्रीमेंट कर देती है लेकिन उसके फेस को इंक्रीज नहीं करती है वो मेरी क्या कहलाती है स्ट्रेंड सैचुरेशन हमारी सॉरी सेंसिबल हीट कहलाती है तो क्या कहलाती है स्ट्रेंड हमारी सेंसिबल हीट कहलाती है क्या कहलाती है सेंसिबल हीट कहलाती है ठीक है स्ट्रेंड अब यहां पर क्या होगा अगर अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर मेरा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कोल्ड द लिक्विडिफिकेशन ठीक है दैट इज कोल्ड द लिक्विडिफिकेशन अगर मैं यहाँ पे बात करूं अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरा लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्टूडेंट मेरा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा इसको सोलिडिफिकेशन बोलेंगे इसको सोलिडिफिकेशन बोलेंगे सोलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेट कोई भी फेस अगर मेरा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है सोलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको सोलिडिफिकेशन कहेंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विडिफिकेशन कहेंगे या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कहेंगे क्या कहेंगे स्टूडेंट कहेंगे तो आई होप आप यहां तक का इसको समझ चुके होंगे आई होप आप इसको यहां तक का समझ चुके होंगे कि जब मैंने क्या करा कि मेरा एक फेज सी था इसको मैंने क्या दिया एक सेंसिबल हीट दी तो इसका टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो गया लेकिन इसका टेम्परेचर इसके जो फेज था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसके फेस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई तो यहां पे स्टूडेंट क्या होगा अब दोबारा से मैं अगर इसको हीट प्रोवाइड करूं अब देखेंगे इसको दोबारा से देखेंगे स्टूडेंट इसको दोबारा से देखेंगे हम ध्यान देना यहां पर इसको फिर मैंने दोबारा से एक मैंने इसको हीट दिया और हीट देने से फिर दोबारा इसका एक स्टेट चेंज हो गया जिसको मैंने तो यहां पे मैंने क्या करा इसको मैंने हीट दी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो गया अब यहां पे, मैं पे मैंने क्या करा इसको से मैंने हीट दिया इसको दोबारा से मैंने हीट दिया और हीट देने से हीट देने से ये किस में कन्वर्ट हो गया वेपर में कन्वर्ट हो गया ये वेपर में कन्वर्ट हो गया और यहां पे इसका टेम्परेचर कितना था स्टूडेंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था ंड्रेड डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर में कोई हमारा कॉन्स्टेंट है जब मेरा टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है लेकिन फेस में चेंजिंग हो रहा है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसी हीट को मैं क्या कहूंगा लेटेंट हीट कहूंगा क्या कहूंगा स्टूडेंट लेटेंट हीट तो वो हीट मेरी क्या कहलाती है स्टूडेंट लेटेंट हीट कहलाती है अब यहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या कह देंगे स्टूडेंट वेपोराइजेशन कहेंगे वेपोराइज वेपोराइजेशन कहेंगे क्या कहेंगे स्टूडेंट वेपोराइजेशन ठीक है वेपोराइजेशन हम इसको बोलेंगे अगर मेरा कोई भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन को ऐसे स्टेट को वेपोराइजेशन कहते हैं ठीक है स्टूडेंट तो यहां पे मैंने इसको लेटेंट हीट दी और लेटेंट हीट देने से इसका फेस चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर मेरा तब भी

लेकिन यहां पे जो टेम्परेचर हो गया वो मेरा हो गया टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो गया लेकिन यहां पे मैं जो हीट दूंगा वो कौन सी दूंगा सेंसिबल हीट दूंगा तो ये वाली जो हीट कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी सेंसिबल हीट कहलाएगी कि ताकि हमारा यहाँ पे फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, हो, हाँ का हो रहा है लेकिन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो ऐसी हीट को मैं क्या कहूंगा सेंसिबल हीट कहूंगा अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा वेपर होगा इसको हम क्या कहेंगे सैचुरेटेड वेपर कहेंगे स्टूडेंट यहाँ पे सुपर हीटेड वेपर कहेंगे क्या कहेंगे इसको सुपर हीटेड सुपर हीटेड वेपर सुपर हीटेड का वेपर हम सुपर हीटेड वेपर क्या होता है कि जब हमारा एक लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ पार्टिकल हमारे लिक्विड के रह जाते हैं अगर मैं उस स्टीम को दोबारा हीट देता हूं तो दोबारा हीट देने से वो उसके अंदर जो भी मेरे लिक्विड के पार्टिकल होंगे वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे वेपर गैस में तो वो हमारी जो स्टीम कहलाएगी वो हमारी सुपर हीटेड वेपर कहलाएगा सुपर हीटेड स्टीम कहलाएगी इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे सुपर हीटेड वेपर या सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रह गया था कि हमारा यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो इस वाले कंडीशन को मैं बोलूंगा इस वाली कंडीशन को मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो कंडीशन है वो मेरी कंडीशन क्या कहलाएगी स्टूडेंट सैचुरेटेड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको यहां पे लिक्विड स्टेट क्यों कहलाएगा कि अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ी सी भी हीट दे दूं तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है अगर मैं यहां से थोड़ी सी हीट को बाहर कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहेंगे सैचुरेटेड वेपर स्टेट सैचुरेटेड वेपर स्टेट ऐसी स्टेट को क्या कहेंगे स्टुड़ेंगे? हम सैचुरेटेड वेपर स्टेट कहेंगे सैचुरेटेड वेपर स्टेट कहेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट हमारा जो फेस डायग्राम था एक सोलिड से उस सोलिड को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने किसमें वेपर में उसको कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट किसमें वेपर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो पहली स्टेट को मैं देखूंगा तो मेरा फर्स्ट स्टेट था मेरा आइस आइस को मैंने कन्वर्ट करा फिर आइस में उसका पे पे हो गया ठीक है स्टूडेंट तो यहां पे इसको आप समझ चुके होंगे कैसे कैसे हमारा फेस्ट डायग्राम हुआ किसका वाटर का तो वाटर से पहले मैंने हमारा सोलिड था एक आइस थी और उस आइस का टेम्परेचर मेरा माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था कि जब मैंने उसको हीट दिया हीट देने से उसका क्या हुआ टेम्परेचर

सोलिड स्टेट को मैं मान लीजिए हाँ उसको मतलब एक हीट दे रहा हूँ और हीट देने से वो स्टेट कन्वर्ट हो रही है हमारी सॉलिड में पर लेकिन टेम्परेचर उसका जीरो डिग्री सेल्सियस है तो पूछ सकता है कि वहां पे जो मेरी हीट दी गई थी उसको किस टाइप की हीट बोल सकते हैं? तो वो जो फेस को इंक्रीमेंट करती है टेम्परेचर को इंक्रीमेंट नहीं करती है, करती है वो मेरी लेटेंट हीट कहलाती है क्या कहलाती है स्टूडेंट लेटेंट हीट कहलाती है तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे उसके बाद मैंने क्या करा जब मेरा एक uh -huh. स्टेट बी पर आ गया जिसको मैंने बोल दिया आइस था उसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस था क्योंकि वाटर जो होता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है मतलब एक बर्फ बन जाती है अगर उससे मैं थोड़ी सी हीट भी निकाल दूं मतलब उसको थोड़ी सी हीट दे दूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है अगर किसी भी किसी भी सब्सटेंस का वन डिग्री या टू डिग्री सेल्सियस उसका आ, उसका टेम्परेचर है तो वो किस कंडीशन में होता है वो हमारे लिक्विड कंडीशन में होता है इन द केस ऑफ द वाटर अगर मैं वाटर का टेम्परेचर दो डिग्री सेल्सियस वन डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेरा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन जब मैंने स्टेट बी पर उसको हीट सप्लाई किया वो सारी हीट किसमें कन्वर्ट होगी स्टूडेंट उसकी एक फेज चेंज डायग्राम में कन्वर्ट हो गई उसका टेंपरेचर तब भी मेरा क्या था जीरो डिग्री सेल्सियस था तो हम कह सकते हैं कि मेरा कि यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो Uh, जो मेरे uh, पे जो वाटर है और वाटर का टेम्परेचर भी जीरो तो तो दू कि यहाँ पे जब मेरा सॉलिड हमारा किस पे था माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर था लेकिन जब उसको मैंने हीट दिया तो भी वो सॉलिड ही था तब भी वो सॉलिड ही था लेकिन यहाँ पे क्या होगा जब मैं उसको हीट दे रहा हूं तो हीट देने से थोड़े थोड़े उसके जो पो मोलिक्यूल होंगे ना वो थोड़ा इंक्रीमेंट करेंगे वो क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट करने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा इंक्रीमेंट करने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा लेकिन जब मैं स्टेट बी पर आ जाता हूं और स्टेट बी पर जाकर मैं उसको थोड़ा सा हीट देता हूं और हीट देने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होने पर उसका वॉल्यूम घट जाता है आप कभी भी देखना आपने एक बर्फ़ लिया और उस बर्फ को तो आपने मेल्ट कर दिया जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो लिक्विड में कन्वर्ट हो उसका वॉल्यूम घट जाएगा उसका वॉल्यूम स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा ठीक है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा घट जाएगा तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मेरा फेस ए था उसका वॉल्यूम मेरा एक था मतलब मान लीजिए 1 था जब मैंने उसको हीट दी तो स्टेट बी में कन्वर्ट हुआ लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो गया वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन जब बी से सी में देखा होगा पानी को बर्तन में गर्म करता हूं तो गर्म करने से क्या होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है आपने कभी देखा होगा ना चाय को उबालते हैं तो चाय को उबालने से क्या होगा ऊपर तक चाय आ जाती है पहले मेरे नीचे लेवल पे थी मैंने उसको हाई टेम्परेचर पे कर दिया तो चाय मेरी उबलकर ऊपर आ गई तो वहां पे क्या हुआ इसको वॉल्यूम इंक्रीमेंट कर गया ठीक है वॉल्यूम इंक्रीमेंट कर गया एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट सी और स्टेट डी के बीच में स्टेट सी और स्टेट डी के बीच में इस वाले स्टेट को हम कंप्रेशन स्टेट भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको कंप्रेशन स्टेट भी कहते हैं ताकि हमारा यहाँ पेम्परेचर जीरो जब मैंने उसको उसको मान लीजिए कुछ मैंने हीट दिया उसका टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस हो गया लेकिन उसका जो फेस होगा वो भी लिक्विड में ही होगा तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं कंप्रेशन स्टेट कहते हैं क्या कहते हैं कंप्रेशन स्टेट बोलेंगे क्या बोलेंगे कंप्रेशन स्टेट बोलेंगे तो मैंने यहाँ पे उसको आपको डिफाइन नहीं किया है तो ऐसे में आपको बता रहा हूं ओके स्टूडेंट तब यहाँ पे मेरा जब इसका टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तब मैंने कहने का मतलब क्या है जब मेरा स्टेट सी स्टेट सी पर मेरा जो टेम्परेचर था जीरो डिग्री सेल्सियस था इसको मैंने दोबारा हीट दिया तो दोबारा हीट देने से इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट कर गया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लेकिन यहाँ पे उसका फेस का चेंजिंग नहीं हुआ इसका फेस का चेंजिंग नहीं हुआ फेस चेंज नहीं हुआ तो ऐसे हीट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट सेंसिबल हीट कहते हैं जब मेरा स्टेट जब फेस चेंज नहीं हुआ स्टेट डी पर आ गया और स्टेट डी पर मैंने उसको थोड़ा सा हीट दिया थोड़े से हीट देने पर ही इसका फेस का चेंज हो गया इसका फेस चेंज हो गया वेपर में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड मेरा यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो गया लेकिन उसका टेम्परेचर तब भी कितना था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था तो जब मैंने स्टेट डी को मैंने हीट दिया ऐसी हीट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट पे लेटेंट हीट बोलेंगे

इसका जो स्टेट इस था वो चेंज हो गया स्टेट चेंज हो गया इसका एफ और एफ चेंज होने से यहां पे मैंने क्या करा स्टूडेंट यहाँ पर इसको ये वेपर में कन्वर्ट हो गया कहने का मतलब क्या है कि जब मेरा वेपर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसमें वेपर और लिक्विड के पार्टिकल हमारे मिक्स होते हैं तब मैंने जब यहाँ पे वेपर कन्वर्ट हुई और उस वेपर को द्वारा मैंने हीट दिया तो वहां पे मेरी जो वेपर बन जाती है वो सुपर हीटेड वेपर या सुपर हीटेड स्टीम हमारी बन जाती है तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो पानी को मैंने तीन तीन स्टेट से गुजारा है एक सॉलिड लिक्विड और मेरा वेपर या उसको स्टीम भी कह सकते हैं ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया एक फेस डायग्राम हो गया किसका किसी भी प्योर सब्सटेंस का जिसको मैंने लिया है वाटर तो वाटर का ये क्या है फेस डायग्राम है वाटर का क्या स्टूडेंट ये मेरा फेस डायग्राम है इतना हो गया स्टूडेंट इतना हो गया अब आगे आगे इसका समझते हैं इधर तो ध्यान देना इसको इधर इसको ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसका एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम को अच्छे से आप समझोगे इस डायग्राम को अच्छे से आप समझोगे ठीक है स्टूडेंट तो इसका मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट यहाँ है पर टीवी डायग्राम तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस फेस डाइम क्या इस स ट्रांसफॉर्मेशन के हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायग्राम बनाने हैं टी एस डायग्राम एस एस डायग्राम टी एस डायग्राम टीवी डायग्राम ठीक है डिफरेंट टाइप के डायग्राम को हमको यहाँ पे प्लॉट करना है तो यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है केवल आपको अगर ये आपको याद है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने डायग्राम को बनाएंगे तो स्टूडेंट हमारा डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे तो डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे उसको ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट अपना ध्यान से इसको देखेंगे कर्व को कि यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले क्या था सबसे पहले मेरा एक स्टेट थी जहां पे इसको इसको मैंने मान लिया टेंपरेचर और इसको मान लिया मैंने वॉल्यूम ठीक है टेंपरेचर और वॉल्यूम मान लिया अब पहले कहने का मतलब क्या है चलो पहले मैं टेंपरेचर स्केल में इसको बना लेता हूं टेंपरेचर स्केल को बना लेता हूं मैं यहां पर टेम्परेचर स्केल मेरा क्या क्या होगा उसको बना लेते हैं ठीक है तो वो यहाँ पे मेरा मान लीजिए यहाँ पे मेरा था माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस फिर मेरा हो गया यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस कितना हो गया डिग्री सेल्सियस हो गया फिर मेरा यहाँ पे हो गया जीरो डिग्री सेल्सियस से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कितना हो गया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फिर मेरा हो गया टू हंड्रेड डिग्री कितना हो गया टू हंड्रेड डिग्री तो यहां पे मान सकते हैं जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में तो आप इसको डिग्री सेल्सियस को ना भी लिखे हो तो चल जाएगा लिखेंगे तो भी चल जाएगा ठीक है तो मोस्टली हम लिखते नहीं है बस यहाँ पे इसकी रीडिंग को लिखते हैं और यहाँ पे स्केल लिख देते हैं कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में ओके स्टैंड ठीक है ओके तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ तो यहां पे लिख देता हूं इसको माइनस के ट्वेंटी जीरो हंड्रेड और ये टू हंड्रेड ओके तो टेम्परेचर स्केल मैंने यहां पे बना दिया अब यहां पे देखेंगे स्ट्रेंड अब यहां देखेंगे देखो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे मेरे क्या थी आइस थी तो यहां पे मैंने कोई भी एक स्टेट मान ली ठीक है इसको स्टेट मान लिया और यहां पे क्या रहा हो रहा है इसका वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है क्या हो रहा है वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको इधर ठीक ठीक है थीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने एक सॉलिड स्टेट को मैंने हीट दिया जब तक तो, जब उसका टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस था माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस था सॉलिड स्टेट में था जब मैंने उसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया भाई यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पहले माइनस ट्वेंटी था फिर जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया तो मैंने माना जब इसकी स्टेट ये थी तो इसका स्टेट था मेरा ए और यहाँ पे मेरा क्या हो गया ये बी हो गया ओके okay, स्टूडेंट तब मैंने बी को हीट दिया बी को हीट देने से इसका टेम्परेचर भी मेरा जीरो डिग्री सेल्सियस हुआ लेकिन उसका वॉल्यूम देखो यहाँ पे घट रहा है वॉल्यूम घट गया तो यहाँ पे स्टेट मेरा सी हो गया स्टेट क्या हो गया सी हो गया ठीक है

सही ज्यादा दूर हो गया ये इसको सीधा कर लेते हैं टेम्परेचर थोड़ा वेरिएशन हो तो यहां पे मान लीजिए इसको हंड्रेड और यहां मान लीजिए इसको टू हंड्रेड ठीक है क्योंकि काफी डिफरेंस हो जाएगा ना जीरो और हंड्रेड के बीच में माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से तो यहाँ पे इसको मैं कर बनाता हूँ इस तरीके से कि मेरा पहले क्या था जीरो स्टेट से मेरा गया था यहाँ पर तो यहाँ पे गया ये ठीक है ये ए हो गया ये बी हो गया फिर दोबारा मैंने इसको हीट दी तो फिर मेरा किस में कन्वर्ट होगा जीरो डिग्री सेल्सियस इसको मैंने सी मान लिया अब यहाँ पे क्या होगा मैं टेम्परेचर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और इसका इसका जो टेम्परेचर मेरा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो गया ठीक है तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया दिस इज द स्टेट नंबर डी तो यहाँ पे क्या हो गया स्टेट नंबर डी तो डी पे मेरा टेम्परेचर कितना स्टूडेंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है फिर मैंने दोबारा इसको हीट अप किया लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे क्या था कॉन्स्टेंट है लेकिन उसकी हमारी वॉल्यूम इंक्रीमेंट कर दिया इसको मैंने मान लिया ई इसको क्या इस e क्या मान मान लिया लिया मैंने अब करेंगे e के बाद फिर मैं हीट दे रहा हूं हीट देने से उसका टेम्परेचर दो सौ डिग्री सेल्सियस हो गया दो सौ डिग्री सेल्सियस होने होने पर फिर इसका वॉल्यूम और इंक्रीमेंट हो गया वॉल्यूम और इंक्रीमेंट हो गया इसको मैंने मान लिया एफ तो यहां पे देखो आप इसकी स्टेट को देखेंगे स्टूडेंट स्टेट मेरी क्या थी ए ए पर ट्वेंटी माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था अगर मैं बी का बात करूं तो बी पे भी मेरा जीरो डिग्री सेल्सियस था सी पे बात करूं तो सी पे मेरा जीरो डिग्री सेल्सियस था लेकिन यहां पे इसका वॉल्यूम घट जाएगा वॉल्यूम घट जाएगा जब मैंने सी से डी पे गया तो उसका भी टेम्परेचर कितना था हंड्रेड सी से डी पे गए तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था ठीक है डी से ई e पे गए तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था लेकिन इसका हीट अप दे रहे हैं लेकिन हीट अप देने पर क्या होगा इसका वॉल्यूम हमारा इंक्रीमेंट कर जाएगा जब हम ई e से एफ पर आए तो इसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो गया दो सौ डिग्री सेल्सियस मतलब उसका 100 से हमारा 200 डिग्री सेल्सियस हमारा इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पे भी इसकी स्टेट चेंज मतलब कहने मतलब वहां पे उसका वेपर में हमारा जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम में भी हमारा क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ वॉल्यूम में भी क्या हुआ स्टूडेंट हमारा इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे मैं इसको दिखा सकता हूं तो ये हमारा इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है ये इधर जाएगा जा और ये इधर जाएगा

नीचे तो लिख दिया मैंने टीवी डायग्राम ठीक है टीवी डायग्राम ठीक है और टीवी डायग्राम किसका है तो यहां पे क्वेश्चन में लिखना आपको टीवी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस वाटर के लिए किसके लिए है वाटर के लिए ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने का डायग्राम कर सकते हो। okay, इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया ठीक है अब इसके बाद बनाते हैं हम अपना एक और डायग्राम बनाते हैं फेज डायग्राम जिसको हम बोलेंगे पीवी डायग्राम तो पीवी डायग्राम कैसे होगा उसको देखेंगे जहां पे पी तो प्रेशर हमारा क्या होगा उस उस कंडीशन पर हमारा यहाँ पे प्रेशर क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा तो एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम देखेंगे ध्यान से स्ट्रेंट, इस स्ट्रेंट यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे दोबारा ध्यान से, से देखेंगे ठीक है इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर अब यहाँ पे हम इसको एक प्लॉट डायग्राम कर खींचेंगे यहाँ पर तो ध्यान देना इसको पी वी डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं क्या बना रहे हैं पी वी डायग्राम ठीक है पी वी डायग्राम तो पी वी डायग्राम बनाएंगे इसको ध्यान देना एक मैंने आपको बताया था ट्रिपल पॉइंट तो ट्रिपल पॉइंट कैसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा किसी भी सब्सटेंस का तीनों फेस जो होते हैं वो वहाँ पे को एग्जिस्ट करता है तीनों फेस क्या होते हैं वहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं ट्रिपल पॉइंट डायग्राम बोलते हैं कितना बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट डायग्राम तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट इस डायग्राम को देखेंगे यहाँ पे इसको देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे हमारा मतलब एक कर्व हो जाएगा अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे क्या है प्रेशर इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या है मेरा कॉन्स्टेंट है ठीक है प्रेशर कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे मेरा क्या है प्रेशर मतलब तो यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो ये सीधी लाइन किसकी होगी प्रेशर कॉन्स्टेंट की होगी जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा इधर इधर सॉरी इधर इधर बढ़ूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्या है वॉल्यूम बढ़ेगा और इधर प्रेशर बढ़ेगा लेकिन मैंने मान लिया मेरा प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है क्या है कॉन्स्टेंट है तो आपने देखा होगा कि पहली कंडीशन मेरी क्या थी स्टूडेंट पहली कंडीशन थी मेरी मेरा स्टेट ए थी तो स्टेट ए पे मान लीजिए मेरा टेम्परेचर माइनस के यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा वेरिएशन कर रहेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर स्टेट ए पर हमारा टेम्परेचर माइनस के ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था तो उस कंडीशन पे क्या था मेरा सोलिड स्टेट था फिर मेरा क्या हुआ बी हो गया स्टेट बी हो गया ठीक है फिर स्टेट मेरा क्या होगा सी हो गया फिर डी हो गया फिर ई e हो गया यहाँ पे क्या हुआ ई e हो गया फिर मेरा एफ हो गया तो यहाँ पे ध्यान देंगे स्टेट को कि कौन कौन सी स्टेट मेरे यहाँ पे वेरी कर रही है और इन इस स्टेट के बारे में देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बात करूं किसकी दिस इज द रीजन ऑफ द सॉलिड तो यहाँ पे क्या होगा ए और बी तो ए और बी के बीच में जब मेरा सॉलिड बर्फ थी वहां पे टेम्परेचर उसका माइनस की ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था और जब बी पे आया तो उसका उसका जो हमारा टेम्परेचर था जीरो डिग्री सेल्सियस था तो उस कंडीशन पर जो मेरा स्टेट लाई करेगा ए और बी के बीच में वो कैसा होगा सोलिड होगा कैसा होगा सोलिड होगा लेकिन जब बी और सी के बीच में आए तो वहां पे क्या हो गया वहां पे उसका एक मतलब वहां सोलिड भी था और लिक्विड भी था वहां पे एक हमारा जो लाइक कर रहा था वो सॉलिड भी था और लिक्विड भी था क्योंकि जीरो डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी था और जीरो डिग्री सेल्सियस पे मेरा लिक्विड भी था तो उस कंडीशन को ऐसे रीजन को मैं क्या बोलूंगा सोलिड प्लस लिक्विड क्या बोलूंगा स्टूडेंट यहाँ पर सोलिड प्लस लिक्विड में बोल सकता हूं ठीक है उसके बाद जब मेरा सी हमारा मान लीजिए सी सी के आने के बाद मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो ये वाला जो रीजन कहलाएगा दिस इज द लिक्विड रीजन कहलाएगा अब यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर जो डी आया इसको ऑप्शन नंबर कहेंगे डी कहेंगे ठीक है तो हमारा क्या आया ऑप्शन नंबर डी मैंने बी लिख दिया था ये हमारा डी होगा और यहां पे डी पे देखेंगे स्ट्रैंड डी पे क्या होता है दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ज द सेचुरटेड लिक्विड लाइन ठीक है तो यहाँ पे मेरा क्या होगा सैचुरेट लिक्विड लाइन हो गया जहां पर मेरा टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कहने के मतलब क्या है यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर मेरा कम था लेकिन बढ़ते 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 ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर मेरा यहाँ पे कितना हो, जाए? यहाँ पे 100 degree Celsius हो जाएगा यहाँ पे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहां पर ठीक है तो यहां पर मेरा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो गया ये तो केवल मेरे प्रेशर की लाइन को मैं बता रहा हूं डी के बाद मेरा वेपर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा सैचुरेटेड वेपर लाइन हो जाएगी ये सिर्फ सैचुरटेड वेपर लाइन हो जाएगी और जो मेरा एफ पॉइंट होगा वो मैं यहाँ पर क्या होगा सुपर हीटेड स्टीम मेरे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी अब यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे कि किसकी कि यहाँ पे हमारी जो लाइन होती है वो हमारी कैसी कैसी लाइन कौन कौन सी लाइन यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं ठीक है कौन कौन सी लाइन जो होती है हमारी ड्रॉ होती है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट कि ये वाली जो मेरी लाइन थी ये वाली जो मेरी लाइन थी ए से बी पर ए से बी पर हाँ तो ए से बी पर यहां पे स्टूडेंट देखेंगे कि जब मेरा क्या था कि मेरा आपने देखा होगा अगर मैं बात करूं ए से सी पर ठीक है तो यहां पे अगर मैं बात करूं ये वाली जो मेरी लाइन होगी स्टूडेंट ये वाली जो लाइन होगी दिस इज द सैचुरेटेड सोलिड लाइन अभी मैं बताऊंगा क्यों होगी और ये भी मेरी क्या होगी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ठीक है और ये वाली भी लाइन मेरी कौन सी होगी स्टूडेंट यहां पे ये वाली ये भी सैचुरेटेड मेरी लिक्विड लाइन होगी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होगा ठीक है तो स्टूडेंट यहां पे पहले ध्यान देंगे कि मेरा यहां पे देखो ये क्या हो गया देखो यहां पर ये मेरा हमारा वॉल्यूम था तो मैंने आपको बताया था कि 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 जब मेरा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां पे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो स्टेट सी था और स्टेट इन दोनों के बीच में मेरा क्या था वॉल्यूम देखो यहाँ पे कम हो रहा है यहाँ पे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा था लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी वो मेरी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाएगी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब मेरा सैचुरेटेड वेप सॉलिड लाइन थी सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट थी 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने उसको हीट दिया और हीट देने से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां पे मेरा वॉल्यूम घट जाता है तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा मेरा वॉल्यूम इधर की तरफ तो घटेगा भाई की तरफ तो घटेगा वॉल्यूम तो ये वाली जो लाइन मेरी कहलाएगी वो मेरी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाएगी और ये वाली जो लाइन कहलाएगी वो मेरी सैचुरेटेड सॉलिड लाइन कहलाएगी उसके बाद ये वाली जो लाइन कहलाएगी यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे दिस इज सैचुरेटेड लाइन और यहाँ पे एक मेरा पॉइंट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे स्ट्रेंड क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्रिटिकल लेकिन हमारा हो जाता है। अगर पे एक मैं इसके क्रॉस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसको ये वाला जो रीजन होता है ये वाला जो रीजन होता है वो लिक्विड का होता है और ये वाला जो रीजन होता है वेपर का होता है तो यहाँ पे यहाँ पे लिख सकता हूँ लिक्विड प्लस वेपर क्या हो सकता है लिक्विड प्लस वेपर और ये वाली जो लाइन होती है स्टूडेंट वो होती है हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन ये मेरी क्या होती है स्टूडेंट सैचुरेटेड वेपर

ग्राम का प्लॉट करते हैं तो फिलहाल अभी यहां पे हम क्या कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के लिए क्योंकि यहां पे तीनों ही स्टेट हमारी हैं सॉलिड भी है लिक्विड भी है गैस भी है तो फर्स्ट कंडीशन में, में मेरा सॉलिड था फिर लिक्विड हुआ लिक्विड से मेरा वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इस वाले सिचुएशन को कहेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन कहेंगे और यह वाली जो यहां पे स्टीम कहलाएगी वो मेरे क्या कहलाएगी स्टूडेंट सुपर हीटेड स्टीम ये मेरी स्टीम जो कहलाएगी सुपर हीटेड स्टीम कहलाएगी सुपर हीटेड स्टीम इस हम इसको बोल सकते हैं सुपर हीटेड स्टीम और सुपर हीटेड वेपर ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम इसको देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमारा ये वर कैरी कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इसको एक इस तरीके से लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं

ट्रिपल पॉइंट लाइन तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने देखो स्टेट ए बी सी डी ई एफ ठीक है और मैंने आपको बताया था कि जब मेरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो इसलिए एक्सचेंज हो जाएगी ये वाली जो लाइन हो जाएगी उसको ओलिड की हो जाएगी मेरी वेपर की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कम है यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है ठीक है स्टूडेंट

होता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है लेटेंट हीट क्या होती है हमारी सेंसिबल हीट क्या होती है वो हमने लास्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लिया था अच्छे से उसके बारे में हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था तो आज हमने डिस्कस किया प्योर सब्सटेंस के बारे में कि हमारा प्योर सब्सटेंस का फेस डायग्राम कैसे होता है उसका टी वी डायग्राम कैसे बनता है उसका पीवी डायग्राम कैसे बनता है अब इसका टीएस डायग्राम बनाएंगे ठीक है डिफरेंट टाइप के डायग्राम को इसको बनाएंगे तो आज की क्लास में हमने केवल यही डिस्कस किया था स्टूडेंट और आगे का हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो ठीक है स्टूडेंट तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए इसके आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे ठीक है स्टूडेंट तो ये आपकी लास्ट यूनिट चल रही है यूनिट नंबर फाइव इसमें हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में और स्टीम के बारे में कैसे कैसे हमारी स्टीम यहाँ पे जनरेट हो रही है तो बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग आपका ये सब्जेक्ट है यूनिट है क्योंकि ये जो यूनिट फाइव है वो आगे चलकर आपको काम देने वाली है तो यहाँ पे जो यूनिट फाइव में हम पढ़ा रहा हूँ दिस इज द बेसिक पॉइंट ये बेसिक पॉइंट है जब आप सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पे अप्लाइड आपको थर्मोडानेमिक पढ़ना पड़ेगा तो अप्लाइड ये सारा जो मैं पढ़ाऊंगी दिस इज द बेसिक वहां पे स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है student? तो इस को में पर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट